नमस्कार, मैं आज आपसे एक बहुत बढ़िया टॉपिक पे बात करना चाहता हूं कि क्या ये जो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, जैसे कि आज की तारीख में रवीश कुमार बहुत चर्चा में, और इसके अलावे भी अगर आप देखेंगे कि पहले भी जैसे गुरुदत्त जी की, अभी मैंने एक फिल्म देखी चुप करके, जो उसमें वेब सीरीज में आई हुई है, तो मैंने देखी उसको, और उसमें गुरुदत्त जी के बारे में बहुत कुछ वो थोड़ा सा एक थीम ली गई है। हालांकि फिल्म तो वो अलग तरह की है और अच्छी फिल्म एक तरह से मैं मानता हूँ कि वो कुछ एक साइको के ऊपर फिल्म बनी है। तो ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, और सब मैं स्वयं से पूछ रहा हूँ और सभी से पूछ रहा हूँ, रवीश जी से भी पूछूंगा, कि क्या वो वास्तव में एक डिप्रेस्ड और एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी है, या कि वो वास्तव में एक स्वतंत्र और निर्भीक पत्रकार है। ये मैं कोई फैसला नहीं दे रहा हूं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि ये ऐसा है या रवीश जी ऐसे हैं। मैं उनके प्रति पूरे सम्मान के साथ में इस बात को, क्योंकि अगर वो अच्छे पत्रकार हैं तो वो इस बात को उसी लाइट में लेंगे जैसे मैं कह रहा हूं, कि अगर कुछ कुछ लोग अब क्या ये नहीं हो सकता कि कुछ लोग अपनी ही बनाई हुई इमेज में कैद हो करके, और अगर वो चीज होते हुए संसार में न दिखे तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाए। जैसे अगर हम देखते हैं, कई लोगों ने, कई बड़े बड़ी हस्तियों ने ऐसा हुआ है, जैसे गुरुदत्त जी के साथ हुआ कि वो बहुत बड़े फिल्मकार माने गए और बड़ी तारीफें करी गई, खासतौर पर वामपंथी मीडिया ने उनको बहुत ज्यादा हाइप किया, और वामपंथी मीडिया ही हमारे देश में 70 सालों में राज किया है, और सबके मनों पर उनका जो प्रभाव है वो वामपंथी मीडिया का ही है। एनडीटीवी उसी से बिलोंग करता है, रवीश कुमार जी उसी से बिलोंग करते हैं। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सारे लोग वहां पे खराब हैं, बस बहुत अच्छे अच्छे लोग भी वहां पर होंगे और हैं और रहे होंगे, और उन्होंने कुछ किया, अच्छा किया बुरा किया वो तो एक अलग विषय है, और उसको मैं राजनीतिक तौर पे कि मैं व्याख्या करने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं अभी इसमें एक दो तरह के मेरे पहलू हैं। एक तो मैं जितना मैंने मनोविज्ञान को जाना, जितना मैंने मनुष्य को जाना, जितना मैंने उस चीजों को जाना, मैं उसके आधार पर बात करूंगा। मैं अभी राजनीति की बात बिल्कुल नहीं करूंगा, और मैं सिर्फ एक व्यक्तिगत तौर पर यह करना चाहता हूं कि हम देखें कि कैसे ये इतनी बड़ी बड़ी जो पर्सनैलिटीज हैं वो कहीं कैसे, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का भी एक तरह का फिनोमिनन कुछ समझ में नहीं आया अभी तक किसी को कि क्या हुआ, वाकई में क्या सुसाइड किया, या सुसाइड भी किया तो क्यों किया। अब ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, एक अलग मुद्दा है कि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही कि क्या किसी ने उसको मजबूर किया या वातावरण का निर्माण किया जिसकी वजह से उसको सुसाइड करना पड़ा, या फिर उसके अंदर में सुसाइडल टेंडेंसीज थी जिसकी वजह से वहां पे वैसा हुआ। अब ये वाली बात तो बहुत इन्वेस्टिगेशन का विषय, मैं कोई अधिकारी नहीं हूं कहने के लिए, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो जैसे गुरुदत्त जी की सुसाइड की बात आती, इतना आप उसको कहते हो कि एक तरफ की बुद्धिमान आदमी, इतना जो कलाकार, इतना बड़ा कलाकार, ऐसी ऐसी फिल्में बनाई और बड़ी तारीफें उसकी लिखी हुई हैं, फिर ऐसा आदमी अगर वाकई में वो इतना सब कुछ वहां है तो वो आदमी क्यों नहीं संभाल सका अपने आप को, जो समाज को सुधारने निकल पड़ा था और वो समाज को सुधारते सुधारते स्वयं ही सुधार गया, तो ये तो कोई बुद्धिमानी की बात ना हुई। अब अगर आप समाज को सुधारने निकले हो और आप त्याग पत्र लिए घूम रहे हो, आपने त्याग पत्र दे दिया, तो मैं समझता हूं कि आपने हार स्वीकार कर ली। अगर आप काम करते और फिर अड़चन जाती और तब आप कहते कि हां साहब, ये आपने पहले ही हथियार डाल दिए। अभी वो आदमी पूरी तरह से काबिज भी नहीं हुआ है बेचारा, और उसके प्रति पहले से भी द्वेष दिखा देना कि वो हमें आकर के तंग करेगा, अभी तंग किया ही नहीं है, अभी आप तो आपने काम अभी किया नहीं है उसके साथ, 1 घंटे भी नहीं काम किया अदानी जी के साथ में, और आपने छोड़ दिया, तो आपने पहले ही आरोप लगा दिया कि ये आदमी ऐसा है। अब ये तो पूर्वाग्रह हो गया रवीश जी, मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा कि आप ऐसे पूर्व, अब ये पूर्वाग्रह क्यों हो रहा है, क्योंकि आप और आपके जैसे बहुत सारे लोग इस देश में एक आइडियालिज्म के शिकार हैं, एक तरह का आपने अपनी एक इमेज गढ़ ली है, लोगों ने भी उसको सपोर्ट किया, और मैं भी आपका प्रशंसक रहा हूं जब आप 2010 और 14 के बीच में 13 तो मुझे अच्छे से तो याद नहीं है, लेकिन आप एक करते थे कि दिल्ली के जगह पे जाते थे बिहारियों के, जो बिहार के जो लोग वहां पे बहुत सारे रहते हैं, और वो कितने छोटे छोटे घरों में और काम करने के लिए जिनके पास बिहार में बड़े बड़े आंगन वाले, बड़ी बड़ी बाड़ियों वाले, बड़ी बड़े विस्तार के छोटे छोटे मकान होंगे, वो लोग बेचारे आकर के दिल्ली में छोटे छोटे
छोटे मकान में रहे, लेकिन आपने बड़ी कलाकारी उसमें एक अच्छी करी थी कि उनके छोटे छोटे सुखों को आप दिखाते थे कि कितने आनंद से वो वहाँ पर रह रहे हैं। वो मुझे वो प्रोग्राम आपका आज भी याद आता, वो बहुत पसंद मुझे उस वक़्त में हुआ था, और आज भी मैं कहता हूँ कि वो एक अच्छा प्रोग्राम आपने किया था कि आप कैसे एक छोटे से भी घर में कितना आदमी अच्छे आनंद से हो सकता है, ये आपने दिखाया, और वो जिंदगी के उस पहलू को अच्छी तरह से प्रकट किया, मैं वो साधुवाद करता हूं। लेकिन अभी जो आप कर रहे हैं वो क्या है? आप क्या किसी आप अपनी ही बनाई हुई इमेज की रक्षा कर रहे हैं? आपने जो एक इमेज गढ़ ली है अपनी और लोगों ने भी उसको मान्यता दे दी, अब आपका ये पुरस्कार भी मिल गया और आप अपने आप को उस इमेज के अंदर में कैद कर ली। गुरुदत्त भी कहीं किसी इमेज में कैद रहे होंगे, और वो इमेज का जो आदमी था जब उसकी पूर्ति नहीं हुई संसार में, जैसा वो उसने अपनी गढ़ लिया था अपने आप के लिए जो इमेज, उसकी पूर्ति नहीं हुई, उसने सुसाइड कर लिया। अब ये जो चीज है, अभी त्याग पत्र देना एक तरह का सुसाइड है, एक बड़ी जिंदगी की आपने यूं ही रचाक से खत्म किया। तो लोग कहेंगे कि नहीं यार, क्या क्यों, पहले देखते कुछ दिन, लड़ते थोड़े दिन, महीने भर, दो महीने, तीन महीने, फिर पता चलता कि नहीं वाकई में आपको कोई प्रताड़ित कर रहा है, तो फिर आप कर देते अपना जो आपने अभी किया। तो मैं कह रहा हूं कि बिना लड़े हथियार डाल देना, पहले ही आरोप लगा देना, पहले ही धारणा बना लेना, ये तो स्वतंत्रता नहीं हुई, ये तो परतंत्रता हुई, स्वयं अपने ही विचारों के आप गुलाम हो गए भैया। तो फिर कैसे ये आप स्वतंत्रता की बात करते हो? अगर आप अपने ही गुलाम हो तो फिर स्वतंत्रता की बातें बेईमानी हो जाती है। मैं ये जो आजादी आजादी करके दूसरे लोगों से आजादी मांगते, अरे भाई तुम खुद तो आजाद रहो अपने आप में, तुम खुद आजाद नहीं हो, तुम सबको सुधारने निकल पड़े हो, एक इमेज बना ली तुमने संसार की, समाज की। तो ये देखिए कि गुरुदत्त ऐसे गानों पे को गाते थे, बड़ी बड़ा फेमस हुआ कि अगर ये दुनिया मिल भी जाए, उन फिर बहुत सारे हो गए, ये रूह प्यासी, ये जिस्म प्यासा, ये फलाना और ये पकड़, सब दुख का तस्वीर। और फिर उन्होंने कहा भाई ये दुख का तस्वीर वाली दुनिया हमको मिल, पर तस्वीर बनाई किसने? तुमने बनाई, तुम्हारे लिखे शायरों ने बनाई, और तुम उसको गा करके मैं मंडित कर रहा हूं। और आज रात गुरुदत्त आए और आज फिल्म बनाए, तो वो तब भी ऐसे ही वो फिल्म बनाएंगे, यही उनको अभी भी दुख नजर आएगा, दुख तो ढूंढने से दुख ही दुख मिलेगा। और आप जब बिहार के लोगों के घरों में गए थे, आपने वहां से सुख तलाश किया था, एक शांति तलाश करी थी, आनंद तलाश किया था, इतने गरीबी में इतने ऐसे रह करके भी वो लोग संघर्ष करते हुए लोग, बहुत कल्याणकारी भाव से भरे हुए लोग, कि हम किसी भी तरह से स्ट्रगल करके हम अपना अपलिफ्टमेंट करेंगे, हम अपने परिवार का अपलिफ्टमेंट, हमारे बच्चों का, हम अपने पत्नी का, हमारे घर वालों को भी वो पैसे भेजते थे। तो वो, और अभी भी ऐसे हजारों लाखों लोग पूरे देश भर में कहीं काम कर रहे होंगे, हर प्रदेश से निकल करके बाहर कहीं गए हुए, अकेले बिहार का सवाल नहीं है, हर जगह से लोग जाते हैं, मध्य प्रदेश से जाएंगे, उत्तर प्रदेश से जाएंगे, बिहार से जाएंगे, कोलकाता, कोई कोलकाता जाएगा, कोई कोलकाता से इधर आ जाएगा, तो ये तो हो रहा है। तो ये सब इसका प्रोत्साहन किया जाना चाहिए, जो स्ट्रगलर है, जो किसी तरह का संघर्ष कर रहा है और फिर भी आनंद से संघर्ष कर रहा, उसको हमको सपोर्ट देना चाहिए, ये मैं मानता हूं, और आपने वो दिया था उस घड़ी में। अभी आप क्या कर रहे हो? आप एक इमेज के गुलाम हो गए हो जो आपने गढ़ी है, और लोगों ने उसको ठप्पा लगा दिया, तो आप मानते हो कि आप ऐसे हो? ये आइडियलिज्म है, ये और कुछ नहीं है। आप कोई स्वतंत्रता में नहीं हो, आप परतंत्रता में हो। तो मैं कहता हूं इसमें डिप्रेशन शामिल हो गया, इसमें फ्रस्ट्रेशन शामिल हो गया, और जो आप चाहते हो वैसा चीज नहीं मिलेगी, तो हम छोड़ते हैं। चलिए, अभी डिप्रेशन के विषय में मैं जरूर बात करना चाहता हूं एक चिकित्सक के दृष्टिकोण से, और ये पूरी तरह से आपको, मैं रवीश कुमार जी के बारे में मैंने कोई फैसला नहीं लेना, मैं एक बहाना ले रहा हूं, मैं उनको पॉइंट ले रहा हूं कि यार रवीश कुमार जी के जरिए, गुरुदत्त जी के जरिए अपन डिप्रेशन पे बात करें। डिप्रेशन क्या है? जब आप लगातार उदास रहते हो, जब आप लगातार नकारात्मक ही सोचते हो, आपको कहीं कुछ अच्छा नजर नहीं आता,
और आप सोचते हो कि सब कुछ खराब ही हो रहा है, सारे लोग खराब है, समाज खराब है, सरकार खराब है, व्यवस्था खराब है, लोग खराब है, लोग ना समझ है, लोग समझने को तैयार नहीं है, केवल मैं अकेला समझता हूं और मुझे कोई मौका नहीं है कि समझाऊं लोगों को, सुधारूं लोगों को। ये फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। ये आपने एक इमेज बनाई संसार की, समाज की, आदमियों की, कि ऐसा होना चाहिए और नहीं हो रहा, तो आप असंतुष्ट होते हो, आप दुखी होते हो और वो एक आपका स्वभाव बन जाता, तब आप खुद भी नहीं जानते हो कि आप ऐसे हो गए। तो ये चीज को आपको समझना पड़ेगा कि कहीं कहीं ये फिल्मकार क्यों डिप्रेशन में गए, क्यों इन्होंने सुसाइड की, क्यों इतना इनके ऊपर ये चीज हावी हुई। तो ये कहीं देखेंगे राजेश खन्ना जी की जिंदगी को, जो इतने फेवरेट कलाकार हैं मेरे भी और सबके हैं, लेकिन क्या हुआ, जहां गलती हुई, जहां पर कि एक ऐसी जिंदगी जो इतना बढ़िया कलाकार था और इतना लोकप्रिय, इतना सबके साथ कनेक्ट करने वाला आदमी, और फिर ये हुआ कि वो उस तरह की जिंदगी को नहीं आखिरी में रह सके जैसे कि उनको सब लोग चाहते थे कि वो रहें, वो आइडियल मैन थे लोगों के। तो इस तरह से मैं चाहूंगा, रवीश जी भी बहुत सारे लोगों के आइडियल हैं, तो मैं चाहूंगा कि रवीश जी पुनर्विचार करें, देखें जिंदगी को, जी करके देखें और फिर बात करें, और किसी इमेज में कैद मत होइए आप। मैं आपसे एक ही मैसेज कहता हूं, किसी इमेज में कैद मत करिए अपने आप को और उस इमेज को जीने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आपने नकली चीज बना ली होती है और आप असल समझते हो। आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद। हो सकता है वीडियो लंबा हुआ हो, मुझे धन्यवाद, मुझे थोड़ा क्षमा करेंगे क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है कि मुझे ये करना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।